आपको दिखाएं कि जो चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है वो यहाँ पर हयात जफर आसमी जो मुख्य इसमें आरोपी थे और जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान को पुलिस ने इसी जगह से अरेस्ट किया है। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब चैनल रहा है तो जो न्यूज़ कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में बातचीत होती थी और बताया ये गया है पुलिस के मुताबिक कि उस न्यूज़ कंटेंट का डिस्कशन यहीं पे किया गया था। कानपुर हिंसा के तार अब राजधानी लखनऊ से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने लखनऊ से कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद यूपी तक की टीम उसी जगह पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये आरोपी वहां क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुए दो समुदायों के झड़प के बीच में जो मुख्य आरोपी थे वो आरोपी इसी बिल्डिंग में आकर देर रात छुपे हुए थे। यानी कि जिस तरीके से हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान जिनको पुलिस ने कानपुर दंगों के मामले में गिरफ्तार किया है वो इसी बिल्डिंग में आकर पूरी रात छुपे थे और जिसके बाद पुलिस ने उनको सर्विलांस में ट्रैक करने के बाद यहां से गिरफ्तार किया। हालांकि ये जो बिल्डिंग है वहां पर तीन पार्टनर काम करते हैं जिसमें से एक आरोपी भी है। इसमें से एक का नाम इमरान है, सुल्तान और जावेद। जावेद जो है वो मुख्य आरोपी है जो कानपुर के दंगे हैं उसका मुख्य आरोपी है। लखनऊ के हजरतगंज में पांडे कॉम्प्लेक्स के सेकंड फ्लोर पर जावेद अहमद खान, हयात जफर हाशमी, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी बिल्डिंग में हिंसा का मास्टरमाइंड छुपा था। कानपुर में हिंसा के बाद ये सभी लोग लखनऊ भाग कर आ गए थे। अब इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या इसी बिल्डिंग में हिंसा की प्लानिंग की गई थी? क्या इसी बिल्डिंग में लोगों को जोड़ने का काम किया जाता था? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब तलाशने हम बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। जो चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है वो यहाँ पर हयात जफर हाशमी जो मुख्य इसमें आरोपी थे और जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान को पुलिस ने इसी जगह से अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद पेश किया है। साफ तौर से माना यह है कि वो मेन साजिश करता थे और यहीं पर आकर रुके हुए थे जिसके बाद से जब पुलिस ने छापेमारी की और यहां से अरेस्ट किया। हालांकि ये जो ऑफिस है वो एक अलग तरीके का ऑफिस है और यहाँ पर न्यूज़ का भी काम, यूट्यूब का भी काम होता है और इसके साथ साथ जो है अन्य अपने जो कार्य होते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का मानना है कि उनसे जो जावेद का कोई कनेक्शन नहीं है और साफ तौर से वो एक मिलने की तुलना में जिस तरीके से आते या जाते थे तो उस वजह से, जबकि जावेद अहमद खान जो यहाँ पर मिलने आते थे उन्हीं के वो जो मित्र थे हयात जफर हाशमी जो मित्र थे उनसे उनकी बातचीत होती थी, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान इन चार लोगों को जिस तरीके से पुलिस ने आज दिखाया है और इसी परिसर से गिरफ्तारी शो की है। तो साफ तौर से इससे क्या कनेक्शंस है ये हालांकि पुलिस के मुताबिक तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन यहाँ पर जो चीजें क्लैरिटी है कि अभी इनका जो जुड़ाव है वो उनसे नहीं मिल रहा है कि आखिर क्यों वहां पर रुके हुए थे, क्या वो वजह थी या किसकी वजह से, ये सभी चीजें अभी क्लियर नहीं है। यूपी तक ने ग्राउंड जीरो में पाया कि किस तरह से इस ऑफिस में काम होता था। यहाँ से प्रचार प्रसार किया जाता था। मुख्य आरोपी की सारी जानकारी भी इसी ऑफिस से कवर की जाती थी। इस दफ्तर को भी 3 तारीख को जुलूस होने की खबर थी, यहाँ से सूचना दी गई थी। यूपी तक की ग्राउंड रिपोर्ट में पाया गया कि इस ऑफिस में सारी सुविधाएं थी, रुकने, सोने और काम करने का सारा इंतजाम था। तो सवाल उठता है कि क्या कानपुर से आरोपी इसी ऑफिस में पहुंचकर खाका तैयार करते थे? हिंसा के बाद कानपुर से भागकर आरोपी इसी ऑफिस में आकर आराम कर आगे की कानूनी सलाह ले रहे थे लेकिन सारी प्लानिंग फेल हो गई और पुलिस ने छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।